हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन, द स्किन इन फ्रॉग इज स्मूथ एंड स्लिपरी एंड इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। तो यहाँ पर असर्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। रीजन में दिया है, म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्किन व्हिच इज हाईली वास्कुलराइज्ड एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो यहाँ पर रीजन भी क्या हो जाता है? रीजन भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं, जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग के अंदर स्किन जो होती है वो कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। ठीक है, फ्रॉग के अंदर आप स्किन कैसी देखते हैं? स्मूथ एंड स्लिपरी, स्मूथ एंड स्लिपरी। और ये किसके प्रेजेंस के वजह से होता है? म्यूकस के वजह से। अभी म्यूकस कहाँ से आ रहे हैं? तो स्किन के अंदर क्या होता है? म्यूकस, म्यूकस होता है, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। ओके, जहां पर वो म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करती हैं और उसके स्किन को स्मूद और स्लिपरी बनाती है। अब ये जो म्यूकस ग्लैंड है ये प्रेजेंट है स्किन में, जो हाईली वस्कुलराइज है और हेल्प करते हैं दी रेस्पिरेशन इन लैंड एंड वाटर। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। तो म्यूकस ग्लैंड की प्रेजेंस के वजह से स्किन कैसी मेंटेन होती है? मॉइस्ट कंडीशन में। और क्यों, किस में हेल्प करता है ये? फिर ये स्किन हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, वाटर में रेस्पायर करने में हेल्प करता है, लैंड में रेस्पायर करने में हेल्प करता है। तो इसलिए अजर्शन रीजन क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे अजर्शन को कि स्किन जो है फ्रॉग में वो स्मूथ स्लिपरी क्यों रहती है, ऑलवेज मेंटेन इन मॉइस्ट कंडीशन, इसका रीजन क्या है ये भी बता दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो ऑप्शन ए, बोथ अजर्शन एंड रीजन आर दी ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। नेक्स्ट में कह रहे हैं, अजर्शन रीजन आर दी ट्रू, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये इनकरेक्ट हो जाता है। अजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, रीजन फॉल्स नहीं है। अजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, अजर्शन फॉल्स नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 80 पर गिवन है। थैंक यू।